हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। और आज मैं बताऊँगा कि हिबिस्कस की प्लांट को आप कैसे केयर कर सकते हैं और उसे लॉन्ग टाइम तक बचा के रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक हिबिस्कस का प्लांट लगाया है एक बोरी में, और इसको अब तक 1 साल हो गया और ये इसके पत्ते झड़ते थे और ग्रो करते थे ऐसे करके। अभी ये ठीक कंडीशन में है और अपना लीफ जो है फिर से ग्रो कर रहा है और नए नए लीव्स अभी निकल रहे हैं। और ये 2 से 3 बार तक फ्लावरिंग कर चुका है और बीच में जो है चींटियों के वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। इसको चींटियाँ जो हैं इसकी पत्तियों को काट देते थे या तो इसकी फूल को नीचे गिरा देते थे, तो वो बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी बारिश का सीज़न चालू है और पेड़ों पर ज़्यादा चींटियाँ नहीं रहते, इसीलिए अभी प्लांट जो है ग्रो फिर से कर रहा है। और ये देख सकते हैं नए नए स्टेम्स से नए नए पत्ते भी ग्रो कर रहे हैं, तो आगे चल के ये हमें फ्लावर भी देगी। तो अब मैं चलो बताता हूँ कि इसका केयर कैसे किया जाए। तो पहली बात, अगर इसमें अगर चींटी लग जाए तो एक काम कीजिए, हर रोज़ जब आप इसको पानी देंगे तो इसके ऊपर ज़ोर से पानी दीजिएगा, मतलब शावर कीजिएगा। इससे जो है चींटियाँ नीचे गिर जाएंगी, और एक दो बार ऐसे करेंगे तो अपने आप चींटियाँ इस पेड़ को छोड़ के चले जाएंगी और पेड़ अपना ग्रोथ फिर से चालू कर देगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है सबके साथ, वो है रूट्स की प्रॉब्लम। अगर आपने गमले में या बोरी में अगर अपने हिबिस्कस का प्लांट लगाया है, तो अगर आप बड़े टब में या बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो इसका रूट जो है बहुत सारे डिवेलप हो गए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बोरी या छोटे गमले में लगाने का दिक्कत ये होती है कि ये देखिए यहाँ पर रूट्स निकल रखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इनकी रूट जो है मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये अपनी ग्रोथ जो है आगे से बढ़ा लेते हैं और पत्तियाँ इसकी बहुत हेवी हो जाती है और ये नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने के बाद इनका जो निचली हिस्सा है वो ऊपर को आ जाता है और ये ऊपर रहने के कारण मिट्टी को अच्छे से जकड़ नहीं पाता और ये प्लांट पानी को या न्यूट्रिशन को अच्छे से नहीं ले पाता और मर जाता है कुछ ही दिनों में। तो इसके लिए क्या करना है कि जब रूट्स इसके ऊपर आ जाएं कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर पूरी जो है बालू मिट्टी डाल दीजिए या तो कोई मतलब थोड़ी हल्की और मोटी जो लेयरिंग मिट्टी होती है वो डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इसकी रूट को अच्छे से मिट्टी ढक के रखेगा और ये रूट्स कभी भी मिट्टी से बाहर नहीं आएंगे और प्लांट्स को कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आपके पास इतनी मिट्टी नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि पेड़ को पहले निकाल लीजिए, फिर मिट्टी को खोद लीजिए और पेड़ को थोड़ा अंदर लगा लीजिए। इससे भी रूट्स जो है अंदर धंस जाएगी और बाहर निकलने में बहुत टाइम लेगी या तो वो नीचे ही रह जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है रूट्स की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। तो ये थे 3 आसान तरीके जिनसे हम हिबिस्कस प्लांट को बचा सकते हैं बहुत दिनों तक। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।